जो तीन बात थी, चल अचल संपत्ति और दो बच्चे और दसवीं पास, तो इन तीनों बातों से सहमत है। क्यों? क्योंकि इसमें देश का ही विकास है। अच्छी बात है सर। मेरा आखिरी सवाल, आपका कार्यकाल लगभग 25 दिसंबर को समाप्ति की ओर जा रहा है। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। साथ नए ग्राम प्रधान है, पब्लिक का रुझान हमने लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस वक्त अब हम प्रधान जी की भी राय जानना चाहते हैं, उनके भी विचार जानना चाहते हैं कि उनके 5 साल के कार्यकाल क्या रहे। चलिए मिलवाते हैं मुकेश जी। राजकुमार जी, खास मुलाकात खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सुनील कुमार जी, जी मेरे साथ है राजकुमार जी और सुनील कुमार जी, ये दोनों भाई हैं, ये 6 भाई है वैसे, लेकिन क्या है कि इनके छोटे भाई ही सारा काम संभालते हैं। अभी मैंने देखा कि एक महिला आई, महिला कोई आधार कार्ड बनवाने का कोई कार्यवाही चल रही थी, तो उन्होंने उसकी समस्या का समाधान किया और उसको एक कागज़ भी दिए, उन्होंने कहा वहाँ चले जाओ ये तुम्हारा बच जाएगा। खैर चलते हैं। सर हमने आपके गाँव में प्रवेश किया, बहुत अच्छा लगा, और मुझे थोड़ा सा पब्लिक का रुझान भी था, थोड़ा सा मुझे भी सफाई को लेकर, आपको क्या लगता है कि आपके गांव में सफाई को लेकर क्या अभियान चला और कहां तक आप इससे संतुष्ट है कि मेरे गांव में इतनी सफाई होती है, कितनी पट्टी है? सफाई तो समय समय पर करवाते हैं, सफाई समय समय पर होती है। सफाई बड़ा गांव है और सिंगल कर्मचारी है। अच्छा, कितना बड़ा गांव है, कितने लोग हैं? 10,000 आबादी। 10,000? अच्छा, 10,000 आबादी है, उनके प्रतिनिधि है। तो आपको नहीं लगता कि एक कर्मचारी कम है? तो आपने कभी सरकार से प्रस्ताव बोला कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाओ? बोला थे। दो कर रखे अलग। अच्छा, दो कर रखे आपने, निजी भी कर रखे अलग से कुछ? जी। अच्छा, तो यहाँ 10,000 आबादी में दो कर्मचारी, इन्होंने निजी भी रख रखे हैं जो यहाँ समय समय पर आते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि बड़ा गाँव है, सफाई कर्मचारी कम है, तो थोड़ी सी समस्या तो आती है। तो सर अभी आपका क्या कदम है और सफाई को लेकर, अभी जो फिलहाल आपने कोई मुहिम चला रखी है सफाई अभियान को लेकर? चला रखी है, तो सफाई अभियान को लेकर भी इन्होंने मुहिम चला रखी है। चलिए खैर, शिक्षा, जब आप अपने प्रधान पद का संभाला, शिक्षा को लेकर आपने कितना बेहतर किया, और उससे पहले शिक्षा कैसी थी गांव में? हमने देखा वो बाहर से बहुत खूबसूरत था, और उसके अंदर मिड डे की भी योजना है, और बेंच की भी, और वाटर कूलर भी लगे हुए, सब कुछ अध्यापक भी, मतलब सब कुछ, कंप्यूटर क्लास। अच्छा, कंप्यूटर क्लास भी, देखिए हाँ कंप्यूटर क्लास भी है, क्योंकि आज की आधुनिक तकनीक बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, कंप्यूटर जानना है वहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है कि वहाँ कंप्यूटर क्लास भी होती है। तो आपका मानना है कि जब आप प्रधान पद बने तो आपने अपने गांव की शिक्षा को और बेहतर किया और उच्च स्तर पर लेकर गए? अच्छा, तो शिक्षा को लेकर आपने काम किया, सफाई को लेकर, इनका कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर भी इनका एक अभियान चल रहा है, वो समय समय पे लोगों को जागरूक करते हैं, मास्क वितरण करते हैं, वो सैनिटाइजर भी गांव को करवाया, कई बार सैनिटाइजर भी कराया। खैर, कोरोना महामारी को लेकर, क्योंकि अभी एक कुछ शहरों में विकराल रूप ले रही है, लाखों लोग मारे गए, लेकिन अभी क्या थोड़ी सी ढिलाई हो गई है कई जगह, तो इसको लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को, मूल निवासियों को और भारतवासियों को? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, और जितना भी हो सके उतना कम बाहर निकलें, जब दिया काम के ना निकलें। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये थे ग्राम प्रधान जी। ग्राम प्रधान जी का कहना है, जब तक दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, निरंतर साबुन से हाथ धोते रहे, अजनबी आदमी से बात करने से पहले उसकी जानकारी रखे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। चलिए मिलते हैं नए ग्राम प्रधान जी से। मैं राजन राही, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके, धन्यवाद।